दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म करण अर्जुन से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। इस वीडियो के लिए आप में से काफ़ी टाइम से बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो उन्हीं सब की रिक्वेस्ट पर आज इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। करण अर्जुन एक एक्शन फिल्म थी। इसको रिलीज किया गया था 13 जनवरी 1995 को। इस फिल्म में हमें नज़र आए थे शाहरुख खान, सलमान खान, राखी, काजोल, ममता कुलकर्णी, अमरीश पुरी, आसिफ शेख, अर्जुन और रंजीत। इस फिल्म में पहली बार हमें शाहरुख खान और सलमान खान की जोड़ी पर्दे पर एक साथ दिखाई दी थी। और इस फिल्म के बाद शाहरुख खान और सलमान खान एक दूसरे की मूवीज़ में हमें गेस्ट अपीयरेंस में कई बार नज़र आए हैं, जैसे सन 1996 में आई फिल्म दुश्मन दुनिया का, सन 1998 में आई फिल्म कुछ कुछ होता है, सन 2000 में आई फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा, सन 2002 में आई फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम, 2017 में आई फिल्म ट्यूबलाइट और 2018 में आई फिल्म जीरो। इन मूवीज़ में हमें इन दोनों के एक दूसरे के साथ गेस्ट या कैमियो रोल दिखाई दिए थे। इस फिल्म का डायरेक्शन और प्रोडक्शन किया था ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन ने, और राकेश रोशन की एज अ डायरेक्टर सलमान खान के साथ ये पहली और आखिरी फिल्म थी। लेकिन शाहरुख खान के साथ इसके पहले वो सन 1993 में किंग अंकल में काम कर चुके थे, और फिल्म करण अर्जुन के बाद सन 1997 में कोयला में एक साथ काम किया था। इस फिल्म में म्यूजिक दिया था राकेश रोशन ने और टोटल 7 गाने इस फिल्म में रखे गए थे। फिल्म के अधिकांश गाने कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाए थे, और फिल्म के गाने लोगों के द्वारा काफी पसंद किए गए थे। गानों के लिरिक्स लिखे थे श्यामालाल बाबू राय ने, जिनको प्रोफेशनली इंडीवर के नाम से भी जाना जाता है। फिल्म के कुछ पॉपुलर सॉन्ग्स में से गाने थे ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जाती हूँ मैं, गुपचुप गुपचुप, भंगड़ा पाले और एक मुंडा। इस फिल्म में राजस्थान के एक गाँव की स्टोरी दिखाई जाती है, इसलिए फिल्म में राजस्थानी टच वाला एक सॉन्ग भी रखा गया था जिसका नाम था गुपचुप गुपचुप। इसको अलका याग्निक और ईला अरोन ने गाया था। अब बात करते हैं इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो इस फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 6 करोड़ रुपए, और इस फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 42 करोड़ रुपए, और वर्ल्ड वाइड में इस फिल्म ने लगभग 43 करोड़ 63 लाख रुपए का कलेक्शन किया था, और ये उस साल की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी और सन 1995 की दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म बन गई थी। 1995 में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म थी शाहरुख खान और काजोल की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसको उस टाइम पर सिनेमा घरों में देखने लगभग 4 करोड़ 80 लाख लोग आए थे, और फिल्म करण अर्जुन को देखने लगभग 3 करोड़ लोग सिनेमा घरों में आए थे। और इन दोनों फिल्मों के बाद सन 1995 में तीसरे नंबर पर फिल्म थी राजा, चौथे पर थी रंगीला और पाँचवें पर थी बरसात। और 2 घंटे 55 मिनट की इस फिल्म को 6.8 out of 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। तो अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, स्टार्टिंग में जब राकेश रोशन ये फिल्म बनाने का प्लान कर रहे थे उस टाइम पे इस फिल्म का टाइटल वो कायनात रखने वाले थे, और लीड एक्टर के तौर पर इस फिल्म में सनी देओल, अजय देवगन और ममता कुलकर्णी को कास्ट करने वाले थे। हालांकि इस फिल्म में पहले ममता कुलकर्णी की जगह पर राकेश रोशन रवीना टंडन को कास्ट करने वाले थे, लेकिन उस टाइम पर अजय देवगन ने राकेश रोशन से बोल के रवीना टंडन को फिल्म से बाहर करवा दिया था, क्योंकि सन 1994 में आई फिल्म दिलवाले के दौरान अजय देवगन और रवीना टंडन के बीच काफ़ी बहस हो गई थी, और कायनात फिल्म में रवीना टंडन की जगह पर ममता कुलकर्णी को कास्ट किया गया था। लेकिन बाद में राकेश रोशन ने फिल्म की स्क्रिप्ट और टाइटल में थोड़ी चेंज किया और फिल्म का टाइटल करण अर्जुन रखा, जिसमें अजय देवगन को करण के रोल के लिए फिक्स किया गया था और सनी देओल की जगह शाहरुख खान को अर्जुन के रोल के लिए फिक्स किया गया था। राकेश रोशन की बेटी सुनैना रोशन ने अपने पिता राकेश रोशन की एक बायोग्राफी बुक टू डैड विथ लव में इस बात का खुलासा किया कि राकेश रोशन करण अर्जुन में पहले शाहरुख खान और अजय देवगन को कास्ट करने वाले थे, लेकिन इन दोनों को कास्ट करने के बाद फिल्म में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। जैसे इस फिल्म में शाहरुख खान का एक रोमांटिक रोल था, लेकिन शाहरुख खान उस टाइम पर चाहते थे कि वो किसी एक्शन फिल्म में काम करें, और अजय देवगन का इसके अपोजिट था, वो एक्शन फिल्मों में ज़्यादा काम कर चुके थे और वो चाहते थे कि अब रोमांटिक फिल्मों में काम करें। लेकिन राकेश रोशन उन्हें इस फिल्म में केवल करण के रोल के लिए ही साइन करना चाहते थे, और शाहरुख खान की भी राकेश रोशन के साथ फिल्म की कास्टिंग को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी। इसके बाद शाहरुख खान और अजय देवगन दोनों ने डिसाइड किया कि वो दोनों एक साथ मिलकर राकेश रोशन की इस फिल्म में काम करने से मना कर देंगे, और इन दोनों के मना करने के बाद राकेश रोशन ने इस फिल्म के लिए सलमान खान और आमिर खान को कास्ट किया, और उस टाइम पर सलमान खान ने अपनी डेट्स इस फिल्म के लिए दे दी थी, लेकिन आमिर खान इस फिल्म के लिए अपनी डेट्स नहीं दे पा रहे थे। और इस बात के बारे में आमिर खान ने खुद सावन रेडियो के टेक 2 विथ अनुपमा एंड राजीव में खुलासा किया
कि राकेश रोशन उनके पास ये फिल्म लेके आए थे और उन्हें इस फिल्म की स्टोरी और स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई थी और उन्होंने उस टाइम पर राकेश रोशन को बोला था कि उन्हें लगता है कि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित होगी, लेकिन उन्हें ये भी लगता है कि वो इस फिल्म के रोल से अपने सेटिस्फैक्शन लेवल तक कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और उन्हें इस फिल्म का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ऐसा बोल के उन्होंने राकेश रोशन को फिल्म में काम करने से मना कर दिया और उसी टाइम पर शाहरुख खान दोबारा से इस फिल्म में रोमांटिक रोल प्ले करने के लिए तैयार हो गए और फाइनली फिल्म करण अर्जुन में राकेश रोशन ने शाहरुख खान और सलमान खान को कास्ट किया। और बाद में लगभग एक महीने बाद जब अजय देवगन को इस बारे में पता चला कि शाहरुख खान दोबारा से फिल्म करण अर्जुन से जुड़ गए हैं और इस बात से वो काफ़ी शौक हो गए और अजय देवगन को लगा कि शाहरुख खान का इरादा कभी भी इस फिल्म को छोड़ने का नहीं था, लेकिन शाहरुख खान ने अजय देवगन को ये फिल्म छोड़ने का झूठ बोला था। और इसके बाद भी शाहरुख खान और अजय देवगन के बीच कुछ और प्रॉब्लम्स हुई जिसकी वजह से शाहरुख खान और अजय देवगन आज भी एक अच्छे दोस्त नहीं बन पाए हैं। फैक्ट नंबर 3, इस फिल्म की अधिकांश शूटिंग राजस्थान में की गई है और फिल्म में हमें जो गांव दिखाया जाता है वो एक्चुअली राजस्थान के अलवर जिले का भानगढ़ गाँव है और फिल्म में जो दुर्गा मंदिर दिखाया जाता है वो राजस्थान के अजमेर के पास पुष्कर में स्थित है और फिल्म में ठाकुर दुर्जन सिंह की जो हवेली दिखाई जाती है वो एक्चुअली राजस्थान के अलवर के सरिस्का में स्थित द सरिस्का पैलेस है। फैक्ट नंबर 4, इस फिल्म का एक सुपरहिट सॉन्ग जाती हूँ मैं एक्चुअली राजेश रोशन के द्वारा एक रिजेक्टेड ट्यून थी। राजेश रोशन को उस टाइम पर लगा कि ये ट्यून परफेक्ट नहीं है और गाना इससे इनकम्प्लीट लगेगा, लेकिन राकेश रोशन भी अपनी फिल्म के लिए कुछ अच्छे गाने सेलेक्ट करने में लगे हुए थे और इसी दौरान उन्होंने राजेश रोशन के द्वारा रिजेक्ट की गई ट्यून्स को एक बार खोल के देखा। वहाँ पे उन्हें इस गाने की ट्यून्स बहुत ज़्यादा पसंद आई और उन्होंने राजेश रोशन के बोला कि इस ट्यून पे आप गाना रिकॉर्ड कीजिए और उन्हें लगता है कि ये गाना सुपरहिट होगा, लेकिन राजेश रोशन ने उनको बोला कि ये ट्यून सुनने में कम्प्लीट नहीं लग रही है और इस पे जो गाना रिकॉर्ड होगा वो भी सुनने में इनकम्प्लीट लगेगा, लेकिन राकेश रोशन ने उन्हें गाना रिकॉर्ड करने के लिए फोर्स किया। इसके बाद राजेश रोशन ने इस ट्यून पे गाना रिकॉर्ड किया जाती हूँ मैं और गाना रिलीज होने के बाद सुपरहिट हो गया, लेकिन इसके बाद भी राजेश रोशन इस गाने से सेटिस्फाई नहीं थे, उन्हें लगता है कि आज भी ये गाना इनकम्प्लीट है। फैक्ट नंबर 5, राकेश रोशन जब इस फिल्म की कास्टिंग पर विचार कर रहे थे तो एक टाइम पर उन्होंने मन बनाया था कि रियल लाइफ ब्रदर सनी देओल और बॉबी देओल को इस फिल्म में करण और अर्जुन के रोल के लिए कास्ट किया जाए, लेकिन सनी देओल ने राकेश रोशन को ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि सनी देओल को लगा कि इस फिल्म के कारण कहीं बॉबी देओल की डेब्यू मूवी बरसात जो कि 1995 में ही रिलीज होनी थी वो ना बिगड़ जाए, क्योंकि उस टाइम पर सनी देओल तो एक एस्टेब्लिश एक्टर थे लेकिन बॉबी देओल एक न्यू कमर थे और अगर फिल्म करण अर्जुन में ये दोनों एक साथ काम करते तो सनी देओल के रोल के कारण बॉबी देओल का रोल इस फिल्म में साइड हो जाता, इसलिए उन्होंने फिल्म में काम करने से मना कर दिया। फैक्ट नंबर 6, फिल्म करण अर्जुन में राखी हमें शाहरुख खान और सलमान खान की माँ बनी हुई नजर आती हैं। हालांकि राखी ने इसके पहले सन 1989 में आई फिल्म राम लखन और सन 1998 में आई फिल्म श्याम घनश्याम में भी माँ का कैरेक्टर प्ले किया था। इन तीनों ही फिल्म की स्टोरी दो भाइयों पर बेस्ड थी और तीनों ही फिल्मों के नाम इन दोनों भाइयों के नाम पर ही रखे गए थे और तीनों ही फिल्मों में विलेन का कैरेक्टर अमरीश पुरी ने प्ले किया था और तीनों ही फिल्मों में विलेन से बदला लेने की कहानी दिखाई जाती है। फैक्ट नंबर 7, इस फिल्म में पहले राकेश रोशन जूही चावला को कास्ट करने वाले थे लेकिन बाद में उनकी जगह पर काजोल को कास्ट किया गया था और फिल्म करण अर्जुन के एक गाने जाती हूँ मैं की शूटिंग के दौरान काजोल और राकेश रोशन के बीच काफ़ी बहस हो गई थी। एक्चुअली इस गाने की शूटिंग के दौरान काजोल ने जो कॉस्ट्यूम पहना था वो कॉस्ट्यूम और उसकी फिटिंग उन्हें पसंद नहीं आ रही थी और वो पहनकर उन्होंने शूट करने से मना कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ राकेश रोशन ये मानते थे कि वो इस फिल्म को लीड कर रहे हैं और उनकी बात यूनिट के हर मेंबर को माननी चाहिए। बाद में शाहरुख खान को जब इस बात का पता चला तो वो काजोल के पास गए और काजोल को इसके लिए मनाया और काजोल ये गाना शूट करने के लिए तैयार हो गई। हालांकि इस गाने का पिक्चराइजेशन शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान को भी पसंद नहीं आया था, उन्होंने स्टार्टिंग की कुछ फुटेज देखी थी और शाहरुख खान को बोला कि ये देखने में काफ़ी वल्गर लग रहा है और राकेश रोशन ने बाद में मीडिया में कई बार काजोल के बारे में बोला है कि वो एक बहुत ही अनप्रोफेशनल एक्ट्रेस हैं। फैक्ट नंबर 8, फिल्म करण अर्जुन में नजर आए शाहरुख खान, काजोल, जॉनी लीवर और राखी इसके पहले सन 1993 में आई फिल्म बाजीगर में भी एक साथ दिखाई दिए थे और इस फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन और राखी हमें इसके पहले सन 1972 में आई फिल्म आंखों आंखों में एक साथ एज अ कपल एक्टिंग करते हुए नजर आए थे और उसके लगभग 23 साल बाद राकेश रोशन ने राखी को अपने होम प्रोडक्शन में डायरेक्ट किया था। फैक्ट नंबर 9, सलमान खान अपनी फिल्म करण अर्जुन की शूटिंग के साथ साथ उसी दौरान शूट हो रही अपनी फिल्म हम आपके हैं कौन के लिए भी शूटिंग कर रहे थे और इस दौरान उनका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था
और बीच में तो सलमान खान ने फिल्म करण अर्जुन छोड़ने का अपना मन बना लिया था, लेकिन बाद में हम आपके हैं कौन के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने सलमान खान को समझाया और उन्हें फोर्स किया कि वो इतनी अच्छी फिल्म को ना छोड़ें। सलमान खान और सूरज बड़जात्या दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों इस फिल्म के पहले मैंने प्यार किया मैं एक साथ काम कर चुके थे। और बाद में फिल्म जब हम आपके हैं कौन रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर हो गई, उसके बाद थिएटर्स में कई महीनों तक हाउसफुल चलती रही। और फिल्म हम आपके हैं कौन के लगभग 5 महीने बाद फिल्म करण अर्जुन जब रिलीज हुई तो कई थिएटर्स में इन दोनों फिल्मों को एक साथ दिखाया जा रहा था, जबकि इन दोनों ही फिल्मों में हमें सलमान खान नजर आए थे। उसी दौरान फिल्म करण अर्जुन के काफ़ी पायरेटेड वर्जन आए थे जिसको VHS पर रिलीज किया गया था, लेकिन इस पायरेटेड वर्जन में जॉनी लीवर का पूरा सीन कट कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 10, इस फिल्म में ममता कुलकर्णी का एक बैकलेस सीन रखा गया था जो कि उस टाइम पर काफ़ी चर्चा में रहा था। और इस फिल्म में शाहरुख खान के कुछ एक्शन सीन्स के लिए रजत बेदी ने उनके बॉडी डबल का काम किया था और इस फिल्म में ऋतिक रोशन एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे थे। फैक्ट नंबर 11, इस फिल्म के लिए पहली बार सलमान खान ने अपनी पूरी बॉडी को वैक्स किया था और फिल्म में बहुत अच्छी बॉडी बनाए हुए नजर आए थे। इस फिल्म के स्टार्टिंग में एक एक्शन सीन था जहां पर सलमान खान और शाहरुख खान रेत में ठाकुर दुर्जन सिंह के लोगों से फाइट करते हुए दिखाई देते हैं। इस सीन की शूटिंग के पहले सलमान खान अपने फेस को लेके काफ़ी टेंशन में थे, उन्हें लग रहा था कहीं मिट्टी की वजह से उनका चेहरा खराब ना दिखे, और अपने चेहरे को बार बार साफ करके उन्होंने इस सीन के लिए शूटिंग की थी। और बाद में यहीं पर जब शाहरुख खान का सीन शूट होना था तो शाहरुख खान अपने फेस की परवाह किए बिना ही पूरे सीन को बहुत अच्छी तरह से शूट करते हुए नजर आए थे, और ये बात आप फिल्म करण अर्जुन के इस सीन में साफ साफ देख सकते हैं। हालांकि इस फिल्म के लिए सलमान खान को बेस्ट एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन वो ये अवार्ड जीत नहीं पाए थे। इस फिल्म को उस साल केवल 2 फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे, बेस्ट एक्शन का और बेस्ट एडिटिंग का, जो कि भीकू वर्मा और संजय वर्मा को मिले थे। फैक्ट नंबर 12, फिल्म करण अर्जुन के सेट पर सलमान खान और उस टाइम के फेमस फोटोग्राफर राकेश सेस्त्रा के साथ सलमान खान की काफ़ी बहस हुई थी, क्योंकि इसके कुछ साल पहले सलमान खान और उनकी उस टाइम पर रही गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी ने एक साथ राकेश सेस्त्रा के साथ फ़ोटो शूट करवाया था, और ये फ़ोटो शूट सलमान खान और संगीता बिजलानी के पर्सनल कलेक्शन के लिए था, और सलमान खान ने राकेश को इन फ़ोटोज़ को कहीं भी बेचने से मना किया था, लेकिन राकेश ने इन फ़ोटोज़ को सारी मैगजीन्स को बेच दिया था। और जब सलमान खान ने मैगजीन्स में इन फ़ोटोज़ को देखा तो तुरंत राकेश के फ़ोटो स्टूडियो गए जहाँ पर वो गोविंदा की कुछ फ़ोटोज़ शूट कर रहे थे। सलमान खान वहाँ पहुँच के राकेश पर चिल्लाने लगे कि ये फ़ोटोज़ प्राइवेट थी, पब्लिक के लिए नहीं थी। सलमान खान ने बोला कि इन फ़ोटो की जो भी कीमत है वो मुझसे लो, लेकिन इन फ़ोटोज़ को मुझे वापस करो। राकेश ने उन्हें जवाब दिया कि उन्हें पैसे नहीं चाहिए, और बाद में शाहरुख खान और गोविंदा ने इनके झगड़े को शांत किया। बाद में राकेश सरिस्ता ने बताया कि इस घटना के लगभग एक हफ्ते बाद वो राकेश रोशन के ऑफिस में बैठे हुए थे, और उसी ऑफिस में सलमान खान राकेश रोशन से फिल्म के ऊपर कुछ डिस्कस करने के लिए आए थे, और वहाँ पर कहीं से एक बार जावेद अख्तर का नाम सामने आता है। उस पर सलमान खान ने गुस्से से बोला था कि समझ नहीं आता कि उस शराबी जावेद को आज भी फिल्म इंडस्ट्री में काम क्यों मिल रहा है, उसने केवल मेरे पापा का यूज किया है। ये सुनने के बाद राकेश श्रेष्ठ तुरंत वहां से उठ के चले गए, क्योंकि वो दोबारा से फाइट नहीं करना चाहते थे। फैक्ट नंबर 13, फिल्म करण अर्जुन के डायरेक्टर राकेश रोशन और अजय देवगन के पिता एक्शन मास्टर वीरू देवगन के बीच उस टाइम पर काफ़ी बहस हुई थी। एक्चुअली पहले फिल्म करण अर्जुन में एक्शन सीन वीरू देवगन डायरेक्ट करने वाले थे, और इसके लिए उन्होंने इस फिल्म के लिए थोड़ी बहुत काम भी किया था, लेकिन बाद में डेट्स की कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो इस फिल्म में काम नहीं कर पाए थे, और बाद में इस फिल्म के एक्शन सीन्स को भीकू वर्मा ने डायरेक्ट किया था। राकेश रोशन ने वीरू देवगन पर इस बात का आरोप लगाया कि जब वीरू देवगन फिल्म करण अर्जुन के लिए काम कर रहे थे उस टाइम पर उन्होंने फिल्म करण अर्जुन का आइडिया कॉपी कर लिया था, जो कि उन्होंने अपने बेटे अजय देवगन की फिल्म विजय पथ में यूज किया था। राकेश रोशन ने बोला कि फिल्म करण अर्जुन में शाहरुख खान हमेशा एक गुलेल लिए हुए दिखाई देते हैं, और बाद में इस गुलेल का यूज क्लाइमैक्स सीन में भी होता है, और यही सेम आइडिया वीरू देवगन ने इस फिल्म से उठाया है, और इसका यूज उन्होंने फिल्म विजय पथ में किया है। और राकेश रोशन ने बोला कि भले ही ये आइडिया अगर वीरू देवगन का भी था, लेकिन वो फिल्म विजय पथ में इसको अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पाए थे। फैक्ट नंबर 14, फिल्म करण अर्जुन के सीन्स का क्रेज बहुत ज़्यादा था, और ये हमें सन 2014 में आई फिल्म इट्स एंटरटेनमेंट में देखने के लिए भी मिलता है, जहां पे फिल्म के विलेन प्रकाश राज और सोनू सूद के कैरेक्टर का नाम करण और अर्जुन होता है, और बैकग्राउंड में हमें कई बार सूरज कब दूर गगन से गाना भी सुनाई देता है। साथ ही साथ इस फिल्म के एक डायलॉग मेरे करण अर्जुन आएंगे, इस पर बाबा सहगल ने एक पूरा गाना बनाया था और फिल्म करण अर्जुन को ट्रिब्यूट दिया था। फैक्ट नंबर 15, इस फिल्म में हमें पहली बार शाहरुख खान और ममता कुलकर्णी एक साथ किसी फिल्म में दिखाई दिए थे।
हालांकि इस फिल्म में भी वो हमें एज अ पेयर नज़र नहीं आए थे और इसके अलावा 90s की किसी भी मूवी में हमें शाहरुख खान और ममता कुलकर्णी एक साथ नहीं दिखाई दिए थे। ममता कुलकर्णी ने फिल्म की शूटिंग के दौरान मीडिया से बोला कि शाहरुख खान और सलमान खान इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनसे काफ़ी मजाक करते थे और उनके लिए जोक सुनाते थे, लेकिन बाद में शाहरुख खान ने इन सारी खबरों को टोटली झूठ बताया। उन्होंने बोला कि फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और ममता कुलकर्णी केवल पब्लिसिटी कर रही हैं, क्योंकि फिल्म में कुछ करने के लिए उनके पास ज़्यादा कुछ था नहीं। फैक्ट नंबर 16, इस फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर कास्ट करने के लिए राकेश रोशन ने संजय कपूर से भी बात की थी, लेकिन बॉनी कपूर ने उन्हें इसके लिए साफ साफ मना कर दिया था। उन्होंने राकेश रोशन को बोला कि कपूर कोई भी दो हीरो वाली फिल्म में काम नहीं करेंगे। फिल्म करण अर्जुन में एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, इसकी जो बैकग्राउंड साउंड की थीम रखी गई है वह पूरी की पूरी मैच करती है फिल्म द टर्मिनेटर 2 और द लास्ट ऑफ द मोहकिंस से, और ये फिल्म के कई सीन में हमें सुनाई देती है, जैसे कि फाइटिंग वाला सीन और जेल वाले सीन में। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म करण अर्जुन से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि फिल्म से ज़्यादा फैक्ट्स मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर सकूं। और आपको ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ इस फिल्म के लिए जिन लीड एक्टर्स से बात की जा रही थी उनमें से शाहरुख खान और सलमान खान के अलावा और कौन से एक्टर्स इस रोल में फिट बैठ पाते। और अगर मेरी कोशिश आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।